To the MCQ तो आज हम हैं, लेकिन करने से पहले दो तीन छोटी अनाउंसमेंट्स करनी है मुझे वो सुन लीजिए उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बहुत छोटा सा टॉपिक है बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं इसमें तो मेरी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग शॉर्ट्स की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हर रोज हम लोग कुछ ट्रिक्स पोस्ट करेंगे ठीक है बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए तो वही छोटी छोटी ट्रिक्स हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट को जाइए देखिए उसकी ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक करिए और अगर कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही हैं और अगर आप उनका ट्रिक्स चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी ट्रिक्स बनाकर आपको हेल्प कर पाएँ और हर रोज ट्रिक्स पोस्ट होगी अभी जोग्रफ़ी की तीन की है फिर पॉलिटी की भी करेंगे हिस्ट्री की भी करेंगे ठीक है जिस जिस सब्जेक्ट का आप डिमांड करेंगे उसकी करेंगे तो फिर शुरू करते हैं और हाँ एक अनाउंसमेंट और कि इसी के साथ साथ अब हम हिस्ट्री की भी सीरीज शुरू करना चाह शुरू करने वाले हैं तो इसीलिए सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन को दबाइए ओके तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डी ऑल ऑफ द अबब तो इसका सही आंसर है सी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो मेंडल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम था जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है इन्होंने अपना एक, एक एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट पी प्लांट पे ठीक है पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चली और उन्होंने बहुत सारे अपनी थ्योरीज दी पी को का बोटैनिकल नेम पिसम सैटिवम भी है ठीक है और डीएनए डीएनए के बारे में बता देती हूँ कि फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी और डी प्लस आर को मिलाकर उसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है ठीक है तो अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएँ तो फिर आप उसे समझ सकते हो और मैंने इसलिए बता दिया कि आगे जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जाऊँगी तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें आपको भी उनके आंसर्स मालूम रह सकें ठीक है क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू ए ब्लड ग्रुपिंग बी मैपिंग ऑफ जीन्स सी मैपिंग ऑफ नर्व सेंटर्स डी मैपिंग ऑफ ब्रेन इसका सही आंसर है बी मैपिंग ऑफ जीन्स इसे जीन मैपिंग भी बोला जाता है और ये जीन की लोकेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है और ये भी बताने के लिए कि जीन्स और क्रोमोजोम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ठीक अब क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जैसे मैंने अभी बताया था कि फादर ऑफ़ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है तो ग्रॉ ग्रेगर जॉन मेंडल को क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं द क्लासिकल मेंडल्स वर्क ऑन हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्हेरिटेंस वॉज परफॉर्म ऑन द ऑर्गेनिज्म ए ड्रोसोफिला बी ड्रैगन सी गार्डन पी डी स्वीट पी तो मैंने अभी बताया था पिसम सैटिवम अगर इसकी जगह पिसम सैटिवम वर्ड भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो पी का नाम है इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी गार्डन पी क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं द शुगर प्रेजेंट इन डी एन ए इज ए ग्लूकोज बी फ्रुक्टोज सी डी ऑक्सीबो डी राइबोज अब जैसे डी एन ए का नाम ही है डी ऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड इसीलिए जो इस शुगर इसमें प्रेजेंट होता है वो होगा आपका डीऑक्सी रिबोज अब आते क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूवड इन द डिसेंडेंट्स ऑफ क्रिएचर बाय ए राइबोसोम, बी क्रोमोजोम सी प्लाज्मा डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है और जो जीन्स होते हैं इन्हीं क्रोमोजोम में पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज दिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी हेरिडिट्रीक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स ए एनजाइम बी हारमोन सी आर एन ए डी नन ऑफ द सही आंसर इसका होगा डी नन ऑफ द क्यों एक्सप्लेन करती हूँ डी एन ए आर एन ए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए ठीक है डीएनए क्या करता है स्टोर और ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आर क्या करता है कोड करता है और एमिनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है ठीक है डीएनए और राइबोसोम्स के बीच में एक लिंक का, का काम करता है आरएनए जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ठीक है इसलिए इसका आंसर डीएनए आरएनए दोनों होगा सिर्फ आरएनए दिया है इसलिए आंसर गलत है क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ए क्रोमोजोम बी डी सी जीन डी न्यूक्लियस तो इसका सही आंसर होगा सी जीन क्यों क्योंकि इट इज़ अ फिजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन को फिजिकल और फंडामेंटल यूनिट भी हेरिडिटी का बोला जाता है इसीलिए जो है ये हेरिडिटी की यूनिट बोली जाती है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आते हैं जीन व्हाट इज अ जीन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए बी सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन ए सी सेगमेंट ऑफ डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा ए सेगमेंट ऑफ डीएनए स्मॉल पार्ट जो डीएनए के होते हैं वो होते हैं जीन्स ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन ए ग्रेगर जॉन मेंडल बी टॉमस हंट मॉर्गन सी बारबरा मैक क्लिंटॉक डी वॉटसन एंड क्रिक तो इसका सही आंसर होगा सी बारबरा मैक क्लिंटॉन क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आते हैं विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड ए एडेन एडेनाइन बी ट्रायोसाइन सी गिनाइन डी साइटोसाइन सही आंसर इसका होगा बी टायरोसाइन ये क्या है कि कौन सा कंपाउंड जो डीएनए में प्रेजेंट होता है वो एमिनो एसिड नहीं फॉर्म करता है तो कौन सा नहीं करता है टायरोसाइन अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और मतलब जो कॉमन सेंस यूज़ करेगा वो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइफली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देर सेल्स डी एन ए फर्स्ट रिसर्जर्स यूजिंग कार्बन फोटिनाइसोटोप टू एक्सरे टेक्नीशियन थ्री कोल माइनर्स फोर डायर एंड पेंटर ऑप्शन है ओनली टू बी वन टू एंड थ्री सी वन टू एंड फोर डी वन थ्री एंड फोर इसका सही आंसर है ओनली टू जो एक्सरे कंडक्ट करवाते हैं टेक्नीशियंस उनके डी का परमानेंट चेंज होना पॉसिबल होता है ठीक है क्वेश्चनस हमारे एंड हो गए हैं अब नया हम जो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं मतलब बायो का ही नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आएंगे या तो वो विटामिनस होगा या डिजीजेज़ होगा अब आप विटामिनस पढ़ना चाहते हैं या डिजीज पढ़ना चाहते हैं कमेंट में हमें कमेंट करिए क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर साल इससे बहुत क्वेश्चन रेज किए जाते हैं तो वो दो तीन पार्ट्स में बनेगा तो जो आप uh, का डिमांड है उस हिसाब से हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे ठीक है थैंक यू